तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं मोहम्मदी के फेमस टी स्टॉल उदय टी स्टॉल पे, और ये अभी हमने यहाँ पे भटूरा भी लिया क्योंकि इतना तो हम नहीं खा पाएंगे, पापा भी साथ में शेयर करेंगे। सो हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नुपुर, वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉग नुपुर। तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स अभी हम आए हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी मोहम्मदी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वी लव मोहम्मदी। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मोहम्मदी आ चुके हैं और अभी यहाँ पे हमको वी लव मोहम्मदी का यहाँ पे सेल्फी पॉइंट दिखा, जिसका उद्घाटन जो वो इसी साल 14 जनवरी 2023 को हुआ और हमारे शहर के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और फ्रेंड्स आपको एक और चीज़ बता दें, मोहम्मदी की शान केतकी का फूल, उसका भी यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है जिसके भी आप देख रहे हैं। अभी आपको हम कुछ सिनेमैटिक व्यूज दिखाएंगे वी लव मोहम्मदी के, तो आप लोग पहले वो एंजॉय करिए। ठीक सामने यहाँ पे श्री राम जानकी मंदिर है, और अभी आपको बताते हैं आप याली जो रोड देख रहे हैं ये सीधे चली गई शाहजहाँपुर शहर की ओर, और यहीं पे बना हुआ है रोडवेज बस स्टेशन। और याली जो रोड देख रहे हैं ये सीधे चली गई गोला लखीमपुर की ओर। तो अभी आपको हम मोहम्मदी का रोडवेज दिखाते हैं। अभी आपको हम दिखा रहे हैं मोहम्मदी का रोडवेज, और यहीं पे अंदर बना हुआ है बैचलर्स कैफ़े, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है ये। तो कौन कौन यहाँ पे आ चुका है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़ोर से बताइएगा आप लोग, और कौन कौन मेरा ब्लॉग मोहम्मदी से देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। पहले जो है शिवा हॉस्पिटल हुआ करता, अब ये एसएस लॉन बन चुका है मोहम्मदी का। फ्रेंड्स अभी हम आए हैं मोहम्मदी के फेमस टी स्टॉल उदय टी स्टॉल पे, और ये जो है मोहम्मदी की मशहूर यहाँ पे चाय बनती है। तो भैया अभी चाय बना भी रहे हैं, तो अभी हम भी पियेंगे, वो आपको ब्लॉग में दिखाएंगे ही। तो यहाँ पे देखिए अभी भैया जो है चाय बना भी रहे हैं, मसाला चाय। तो कौन कौन यहाँ से पी चुका है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। हमारे पास आ चुकी है मोहम्मदी की मशहूर चाय उदय टी स्टॉल से, जैसे कि देख सकते हैं मसाला चाय है, तो एक मेरी एक पापा की है तो पीते हैं। बर्बर चौराहे पे, और जैसे कि अभी आपको बता दें ये वाली जो रोड है ये सीधे मोहम्मदी सिटी की ओर चली गई, और ये वाली जो मेरे पीछे से रोड आ रही है ये सीधे आती है रोडवेज वाली, मतलब शाहजहाँपुर वाली रोड है ये। और अभी आपको बता दें ये वाली जो रोड देख रहे हैं आप, ये सीधे चलेगी जानी केड़ा जो कि सीतापुर वाली रोड पर मिलती है, और उसी के बीच में यहाँ पर बना है अम्बेडकर पार्क, मोहम्मदी का फेमस चौराहा जिसे कह सकते हैं, इसकी शान है यहाँ पर। और वाली जो रोड है ये तो बता ही चुके हैं आपको, ये गोल लखीमपुर वाली रोड है, और यहीं पर ही खाने पीने की कुछ स्टॉलें बनी हुई हैं जैसे कि भी आप देख रहे हैं।
यहाँ पे मिठाइयों की दुकानें बनी हुई हैं, कुछ जो लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ पे खाते हैं। तो अभी हम भी यहाँ पे कुछ खाते हैं, फिर बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं व्लॉग में। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं मोहम्मदी की मशहूर चाट की दुकान राम भरोसे चाट भंडार, और यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, समोसे, बताशे, टिक्की और छोले भटूरे, जो भी आप खाना चाहो सब मिलता है। और ये जो दुकान है ये सीधे बरबा चौराहे के पास में ही बनी हुई है। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जो लोग आसपास के जो लोग हैं, गाँव के लोग जो यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं, वो यहीं से खाते हैं। और यहाँ पर जो है भीड़ बनी ही रहती है। तो अभी हम भी जा रहे हैं यहाँ पर खाने के लिए, और फिर आपको भी दिखाएंगे ब्लॉग में। जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर अंदर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, और ये मोहम्मदी की मशहूर चाट की दुकान है। तो कौन कौन यहाँ पे आ चुका है तो कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा आप लोग। इस बरबर चौराहे के पास में यहाँ पे आपको खाने पीने की स्टॉल दिख जाएगी। जैसे देख रहे हैं मिठाइयों की दुकान है, उधर चाट की भी दुकान है, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं वो यहीं पे रुकते हैं। तो कौन कौन मेरा व्लॉग मोहम्मदी से देख रहा है, कौन कौन यहाँ पर आ चुका है, बताइएगा। तो आज हम भी आए हैं, आप अपने व्लॉग के माध्यम से पूरा मोहम्मदी घुमा रहे हैं। और ये मोहम्मदी का काफ़ी ज़्यादा व्यस्त चौराहा भी कहते हैं इसको। तो अभी हम आए हैं राम भरोसे चाट भंडार यहाँ दुकान पे। तो अभी यहाँ पे देखिए टिक्की मूंजी जा रही है। हमने दिखाया कि वहाँ पे छोले भटूरे बने, तो उधर टिक्की भून जाते हैं, और यहाँ पे देखिए कचौड़ियों के भी कचौड़ी भी बन रही है, और यहाँ पे कचौड़ी के लिए लाइन लगी है। और फ्रेंड्स आपको एक और चीज़ बताते हैं, इतनी महंगाई में भी यहाँ पे 20 रुपये में 5 कचौड़ी मटर के साथ मिल रही है। तो अब हम भी ट्राई करेंगे, फिर आपको भी दिखाएँगे। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम टिक्की ले चुके हैं, पहले तो ये खाएंगे, और ये मोहम्मदी की मशहूर टिक्की है, तो फिर खा के देखते हैं, फिर टेस्ट करेंगे। तो अभी हमने भी यहाँ पे कचौड़ी ले ली है, तो अभी आपको हम दिखाते हैं। ये मटर है, ये कचौड़ी है। सबसे पहले हम अपने सब्सक्राइबर्स को खिलाएंगे। हमने यहाँ पे भटूरा भी देखा, क्योंकि इतना तो हमने खा पाएंगे, पापा भी साथ में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम मोहम्मदी के मेन बाजार बाजारगंज में यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं होली नज़दीक है, और होली की तैयारियाँ यहाँ पर भी शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे रंगों की पिचकारियों की दुकान लगी हुई है। ये मोहम्मदी का मेन मार्केट का व्यस्त चौराहा है, जिसके भी आप देख रहे हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें, ये जो रोड जा रही है पीछे, ये सीधे बरबर चौराहा की ओर जाती है। और ये जो मार्केट है, ये मेन मार्केट है, यहीं पे सराफे की दुकान और जितनी भी दैनिक रोज़ाना में जो सामान यूज़ करते हैं उसकी दुकान, यहाँ पे कपड़ों की दुकान, गारमेंट्स की दुकान, सब यहाँ पे है। मोहम्मदी के बाजारगंज मार्केट से होते हुए अब हम पानी वाली टंकी वाली मार्केट में आ चुके हैं, जिसके भी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी गारमेंट्स की, कपड़ों की दुकानें हैं यहाँ पे लगी हुई हैं। और मोहम्मदी की मार्केट जो है वो बेसिकली गलियों में बनी हुई है। फ्रेंड्स
पानी वाली टंकी मार्केट में आगे बढ़ने पे यहाँ पे ये देखिए हमको बापू वाटिका मिली, और यहाँ पे देखिए भारत के राष्ट्रपिता उनकी महात्मा गांधी उनकी यहाँ प्रतिमा भी अंदर बनी हुई है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मार्केट के बीच में यहाँ पे बापू वाटिका यानी ये जो पार्क बना हुआ है बेहद खूबसूरत पार्क है, बीच में यहाँ पे फाउंटेन भी है और सामने यहाँ पे बापू जी की प्रतिमा भी बनी हुई है। पार्क जो है मार्केट के बीचों बीच और चारों ओर देखिए दुकानें भी बनी हुई हैं। चुके मोमदी के उतनी चौराहे पे और यहाँ पे सामने यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है जिसके भी आप देख रहे हैं। और फ्रेंड्स ये जो है ये पूरा मोमदी का पुतनी चौराहा एरिया कहलाता है जैसे कि भी आप देख रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं ठीक है ताली वाली चौराहा यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये जो है ये भी मेन मार्केट है। फ्रेंड्स मोहम्मदी के इस ताली वाली चौराहे से हमको यहाँ पे मोहम्मदी का मशहूर गुरुद्वारा भी यहाँ से दिखता है जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे। ताली चौराहा होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं अशोक चौराहा जिसके भी आप देख रहे हो, और उसी के पीछे जो रोड देख रहे हो ये जो है रोडवेज के पीछे से बाजारगंज की ओर जाती है। चुके हैं रामलीला चौराहा और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं श्री हनुमान द्वार भी बना हुआ है, और ये जो है यहाँ पे श्री हनुमान जी का मंदिर भी है जो मोहम्मदी की पहचान है जैसे कि देख सकते हैं श्री हनुमान द्वार। और ये रोड सीधे मेन सिटी मोहम्मदी के अंदर जो मार्केट बनी हुई है वहाँ की ओर चली गई। और फ्रेंड जैसे कि होली नज़दीक है तो यहाँ पे होलियों की
करते आ रही हैं, जैसे कि रंगों की दुकानें, पिचकारियों की दुकान सब लग चुकी है। ये रोड क्रॉस करते हुए सामने हमको रामलीला द्वार, जहाँ पे रामलीला होती है, और यहाँ पे मोहम्मदी की नगर पालिका भी बनी हुई है उसी के पड़ोस में। और ये रोड मोहम्मदी बेहद ही व्यस्त रोड है, और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इसको मोहम्मदी का तहसील चौराहा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तहसील बनी हुई है और यहाँ पे बेहद ही ज़्यादा ये पूरी व्यस्त रोड है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मोहम्मदी की मेन रोड है, इसी रोड पे रोडवेज भी पड़ता है। कैसा लगा आपको आज का ये मोहम्मदी सिटी मार्केट का ब्लॉग जो हमने आपको पूरा दिखाया? हमने राम भरोसे की चाट भी दिखाई और मोहम्मदी की जो मेन मेन मार्केट्स हैं वो भी आपको दिखाई। तो प्लीज़ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और कौन कौन मेरा ब्लॉग मोहम्मदी से पर्टिकुलर देख रहा है तो प्लीज़ ये भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, शेयर जरूर से कीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी ओपिनियन जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर से फॉलो करें। और फ्रेंड्स चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।